दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि चाइना से सारे प्रोडक्ट को मंगाती है, और ऐसी मशीनों पे भारत सरकार कभी भी आपको सब्सिडी नहीं देगी। तो ये ध्यान रखें, आप जो भी कंपनी या जो भी ये मशीनें खरीदते हैं तो पहले आप ये इस तरीके से चेक कर लें, क्या उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट के अंदर चाइना तो नहीं लिखा हुआ। अगर चाइना लिखा होता है तो आपको भारत सरकार कभी भी सब्सिडी नहीं देगी। नमस्कार मेरे साथियों, मेरे लिए समझता चाहते हैं कि मैं उनके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेके आऊँ, नई नई ऐसी मशीनें लेके आऊँ जो उनके काम करने को आसान कर दे। साथ में अगर वो एक बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसी मशीनें जो उनको उसको लेके कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर पाएँ, या फिर उन मशीनों को रेंट पर उठा के वो कुछ काम कर पाए। जैसे कि मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे की तरफ यहाँ पर आगे कुछ मशीनें रखी हुई खेती करने के काम में, जो कि वाइब्रेशन वाली मशीनें भी होती हैं। बट आज जो मशीनें दिखाने वाला हूँ वो आपकी नॉन वाइब्रेशन मशीन है, जिनको चला के खेतीबाड़ी में बहुत आसानी से आप अपनी खेती को कर सकते हैं। साथ में इन मशीनों को 10 साल से लेके जितने भी उम्र के महिलाएं या पुरुष होते हैं वो कोई भी इस मशीन को चला सकता है। तो आज स्पेशली आपके लिए मैं आया हूँ हरियाणा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर पंजाब के अंदर अहमदगढ़ के अंदर, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं राशन एग्रो इंजीनियर्स कंपनी है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है एग्रीकल्चर की मशीनों के लिए, हॉर्टिकल्चर की मशीनों के लिए। तो इसके मैनेजर मेरे साथ रहेंगे जो आपको बताएंगे मशीनों के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने वीडियो में। साथ में हमारे किसान भाई बहुत सारी मशीनें चाहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप आज नॉन वाइब्रेशन मशीनें दिखाने वाले हैं, तो वो उनके बारे में बताइए। उससे पहले मैं आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी कंपनी कब से काम कर रही है और कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाती है। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम हर्ष है और मैं राशन एग्रो इंजीनियर्स पंजाब अहमदगढ़ से हूँ। और हमारी जो कंपनी है जी राशन एग्रो इंजीनियर, जिसका ब्रांड नेम स्प्रेमैन है, वो 30 साल पुरानी कंपनी है। और हमारी कंपनी ने शुरुआत से ही छोटे किसानों की भलाई के लिए मशीनें बनाई हैं। हम तरह तरह के कृषि यंत्र बनाते हैं जिनसे किसान जो है मॉडर्नाइजेशन आ जाए और लेबर की कम जरूरत पड़े और जो उत्पादन है वो ज़्यादा आए। तो उन चीज़ों में ध्यान रखते हुए, जैसे कि आप जगहें जो है किसानों की होल्डिंग है कम होती जा रही है जी, या जिन लोगों के बाग होते हैं तो वहाँ पे बड़े ट्रैक्टरों की बड़ी दिक्कत आती है, बड़े ट्रैक्टर चल नहीं पाते हैं। सर बहुत महंगे भी आते हैं बड़े ट्रैक्टर, महंगे भी आते हैं। और महंगे की बात यह है कि जो अफोर्ड भी कर पाते हैं जी, उनको भी ये दिक्कतें आती है कि अब जगह होती है 3 फीट 4 फीट की। जैसे गन्ने की बात आ जाए तो गन्ना यूपी में वो 2 फीट पे लगाते हैं, तो वहाँ पे बड़े ट्रैक्टर, गन्ना छोटा है तब तो चला जाता है, जब गन्ना बड़ा हो जाता है वहाँ पे फिर ट्रैक्टर नहीं घुस पाते हैं क्योंकि वो गन्ना तोड़ता है। तो वहाँ पे वो अफोर्ड करने के बावजूद भी वो ट्रैक्टर उनके काम नहीं आ पाता है, तो उन्हें मजबूरन हाथ से मैनुअल लेबर लगानी पड़ती है, जो बहुत महंगी पड़ती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो उन चीजों के उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने ये जो मिनी पावर वीडर बैक रोटरी मॉडल, बैक रोटरी बोलने का मतलब ये है जी कि बैक रोटरी ऐसे नहीं, बैक रोटरी का जी एक तो पावर टिलर आते हैं जी जिनके टायर उतार के रोटावेटर लगते हैं, जैसे कि आप सामने वो देख रहे हैं वो मशीन पड़ी है, जिनके टायर उतार के रोटावेटर लगता है तो उसमें दिक्कतें आती है कि जी मशीन वाइब्रेशन करती है। वाइब्रेशन करने की वजह भी यही है कि टायर तो उतार दिए, रोटावेटर लगा दिया तो अब लोहा ही बच रहा है जी मिट्टी में, लोहा अब किसी भी चीज में लगेगा, वाइब्रेशन आनी है। अब हमारी गाड़ी का है एक एग्जांपल है कि गाड़ी का एक टायर में भी हवा कम होती है तो सारे सवारियों को पता लगता है कि गाड़ी में हवा कम है। तो वही चीजें इन मशीनों के साथ भी होती है, अगर रबड़ के टायर नहीं चलेंगे रोटावेटर के साथ तो मशीन वाइब्रेशन करेगी और वाइब्रेशन से जो उसको चलाने वाला व्यक्ति है वो भी सारा वाइब्रेट होगा, उसकी ये कंधे बाजू में बहुत दुखने लग जाती थी। इस वजह से पावर टिलर को जो है महिलाएं या छोटे बच्चे या वो चला नहीं पाते थे क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से वो थक जाते थे या उनसे कंट्रोल नहीं हो पाती थी मशीन। ठीक है। तो इन समस्याओं को दूर करते हुए हमने ये जो बैक रोटरी मॉडल, ये इटालियन टेक्नोलॉजी से प्रभावित मशीनरी है, ये जो है ये BCS इटली की कंपनी इसको पहली बार लेके आई थी, तो उन्हीं की मशीन को देखते हुए हमने इसको इंडिया में हमने लॉन्च किया है। अब ये हम खुद जो BCS वो तो इटली से लेके आती थी, पर जो हमारा स्प्रेमैन जो है ब्रांड, ये इसको इंडिया में बना रहा है। और ये जो हमारी मशीनें हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि सहायकता और उत्तरी कृषि, यहाँ से हमारी मशीन जो है ये पुलिस 38 पन्नों की ये रिपोर्ट है, ये हमारी सरकार ने, जिसमें आपने देखो ये टेस्ट रिपोर्ट होती है जी, ये सरकार बना के देती है, तो इसमें हम कोई भी निर्माता झूठ नहीं बोल सकता। तो इसमें जो देखने वाली बात होती है कि एप्लीकेशन तो कोई भी लगा सकता है पर निर्माता कौन है, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, निर्माता में राशन एग्रो इंजीनियर्स अहमदगढ़ पंजाब, नेम ऑफ एप्लीकेंट राशन एग्रो इंजीनियर्स अहमदगढ़ पंजाब, जिसका मतलब है कि इसको बनाने वाले भी राशन एग्रो इंजीनियर्स है, इसको जो है इसकी एप्लीकेशन इसको टेस्ट करने वाले भी राशन एग्रो इंजीनियर है। बट कई कंपनियों की जैसे जो टेस्ट रिपोर्ट होती है जी, मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ये टेस्ट रिपोर्टों का एग्जांपल है, तो इसमें आप देख सकते हैं
जिसमें ये स्पेशली लिखा हुआ है कि जो निर्माता है वो है चोंगकिंग वुहान कंपनी चाइना की, ठीक है, और जो एप्लीकेंट है वो कोई पंजाब से इंडिया से है। तो इससे ये पता लगता है कि पावर टिलर तो ये भी है, बट इसमें सरकारी कागज में दिया गया है कि इसको जो बनाने वाले हैं वो चाइना वाले हैं और एप्लीकेशन को इंडिया का आदमी लगा रहा है, ठीक है। बट हमारी टेस्ट रिपोर्टों में आपको दिखेगा कि बनाने वाले भी हम हैं और एप्लीकेशन लगाने वाले भी हम हैं। मतलब कि मेक इन इंडिया सारी मशीन आपकी होने वाली है, इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्प्रे मैन के नाम से इनके पावर प्रोडक्ट है, ब्रांड नेम इनका है और राजस्थान एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी इनका नाम है। ठीक है सर, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी बताई कि आप, बड़ी खुशी की बात है कि आप भारत सरकार के द्वारा भारत में रहकर भारत के किसानों के लिए मशीनें बना रहे हैं और उनके लिए हेल्प कर रहे हैं। तो सर आज की जो मशीनें मैं देख पा रहा हूँ, ये तीन मशीनें यहाँ देख पा रहा हूँ, तीन मॉडल हैं, तीन मॉडल के बारे में बताइए, 850, 840 और 830। तो जो ये हमारा 830 मॉडल है जी, ये हमारा 7 हॉर्स पावर का पावर वीटर है, जिसमें हमने आप देख सकते हैं ISI होंडा का GX200 ISI हमने इंजन इसके अंदर उपयोग करा है, जिसका 7 हॉर्स पावर से पावर, और इसकी जो रोटावेटर की जो चढ़ाई है ये 18 इंच से लेके 26 इंच तक इसकी चढ़ाई हो जाती है, जो इसके टायर भी है वो 18 इंच के अंदर रहते हैं। इसका जो ये सारा स्टीयरिंग है, इसमें 5 गियर हैं जी, 3 गियर आगे की तरफ हैं और 2 गियर पीछे की तरफ है, और इसमें डिफरेंशियल गियर है। डिफरेंशियल गियर का क्या मतलब होता है? डिफरेंशियल गियर का मतलब है जी कि इसके जो टायर है वो दोनों आपस में फ्री भी हो सकते हैं और दोनों टायर इकट्ठे आपस में लॉक भी होते हैं। तो जब डिफरेंशियल से दोनों टायर आपस में लॉक हो जाते हैं तो दोनों चक्के एक साथ घूमते हैं, और एक साथ घूमने से मतलब है कि आप मशीन को छोड़ भी दोगे तो मशीन बिल्कुल और बिल्कुल सीधा जाएगी, वो दाएं बाएं नहीं भागेगी। तो जैसे कि आप लगा के छोड़ दीजिए तो गन्ना वगैरह या सब्जी वगैरह में वो बिल्कुल मशीन अपने आप सीधा जाएगी, ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, मशीन इधर उधर भागेगी नहीं, ठीक है। और अगर डिफरेंशियल का लॉक निकाल देंगे हम, लॉक निकालने से क्या होगा कि इसके दोनों टायर फ्री हो जाएंगे और दोनों टायर की अलग अलग चाल रहेगी। उससे क्या है कि अगर आपने दाएं या बाएं घुमाना है ट्रैक्टर को, हमारे इस पावर टिलर को, तो आप एक टायर इसका रुक जाएगा और दूसरे टायर मशीन को वहां पे घुमा लेगा, बाएं घुमाना है तो बाएं वाला चक्का रुक के उसको घुमा देगा, तो उतने दायरे में ही मशीन घूम जाएगी बिना किसी जोर से। और इसमें जो है हमने पूरा एडजस्टमेंट रखा है जी, ये बिल्कुल जैसे जो छोटे बच्चों ने चलानी हो तो बिल्कुल नीचे से भी हम चला सकते हैं, और अगर किसी बड़े आदमी ने, पुरुष ने या महिलाएं ने चलानी हो तो वो उसको ऊपर करके भी आसानी से अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, मान के चलो कोई व्यक्ति अगर इसको चलाता है उस टाइम पे, अगर वो उसको एक हाथ से चलाना चाहता है या इस तरीके से चलाना चाहता है, तो क्या ये हैंडल मूवेबल रहता है? आपने ऊपर नीचे तो कर सकते हैं इस हैंडल को, बट क्या इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं? इसमें ये सुविधा जी, कई जगहों पे क्या होता है कि जब बेड बनाते हैं या बेड के ऊपर रोटावेटर चलाते हैं तो कुछ लोगों का, जैसे ये मिट्टी का चूरा बनाती है साथ के साथ लेवल करती है, तो कुछ किसानों की रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसके बेड के ऊपर ना चले ताकि पैरों की छाप ना, तो उसके लिए किसान भाई हमारे इसमें हैंडल घुमाने की सुविधा है। इसमें हैंडल घुमा के ये मशीन को ऐसे भी चला सकते हैं, मशीन को एक हाथ से पकड़ के मशीन सीधी चलती जाएगी, आप साथ साथ में उसकी खाली में चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि जो मिट्टी है वो सेफ रहेगी हमारी, बिल्कुल जी सेफ रहेगी। इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। राइट लेफ्ट करने की बजाय और भी इसमें ऑप्शन है जी, आप इसको अभी आप, मैं दिखाता हूँ, इसको हैंडल पूरा घुमा के, अच्छा, ऐसे इंजन की तरफ भी जा सकते हैं। क्या बात है, देखिए। तो इससे क्या होता है कि जब जैसे कांटेदार पेड़ होते हैं, जैसे कैक्टस की कोई खेती करता है, यूकेलिप्टस की खेती करता है, या फिर कोई और बाग हो जिसमें कांटेदार पेड़ होते हैं या टहनियां ज्यादा फैली होती हैं, तो वहां पे रोटावेटर पास में लेके जाने की दिक्कत आती है क्योंकि जो चलाने वाला है उसको कांटे वो चुभते हैं। तो घुमा के आप इसको चला सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको, वापस ऐसे घूम जाएगा तो जो इसके साथ हम देख सकते हैं जी, पूरा का पूरा गहरा ये यहाँ से 5 और 3, 8 इंची गहरा ये इसने जो है अंदर मिट्टी के अंदर गुड़ाई करी है, और जो मिट्टी भी है इसका भी पूरा चूरा बनाया है, कोई डले वगैरह नहीं छोड़े हैं, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर जो निकले हैं उसको भी इसने बाहर निकाल के सारे फेंक दिए हैं, जितना भी आप देख सकते हैं, कोई मिट्टी का डले डुले नहीं बनाया। जो सेंटर रोटरी होती है हमारी, जितनी भी मशीनें होती है वो मिट्टी के डले बनाती है, और डले वाली मिट्टी में हम बीज नहीं बो सकते, हम अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो इस मशीन में जो है मिट्टी का चूरा होता है, चूरा होने की वजह यह है कि जो रोटावेटर है वो टायरों से तेज चलता है, जिस वजह से एक ही जगह पे ब्लेड 3-4 बार घूम जाते हैं। ठीक है सर, दोस्तों अभी आपने देखा कि सर ने दिखाया किस तरीके से यहाँ से लेके वहाँ पर ये मशीन चली है और ऑटोमेटिक चली है, इसमें कुछ भी आपको प्रेशर या ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। स्मार्टली इसको स्टार्ट करना है और इसको, इसका वे जिधर आप जाना चाहते हैं उस साइड इसको मुंह करके छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली ये मिट्टी को अच्छी तरीके से गुड़ाई कर सकते हैं। जहाँ देख पा रहे किस तरीके से गुड़ाई करिए, गड्ढा काफी मेरी जो भी मिट्टी की 4-5 इंच तक आराम से गुड़ाई कर देती है। इसके साथ में सर ने दिखाया किस तरीके से सर गुड़ाई यहाँ बीच में हो रही है, सर लेफ्ट खड़ा होने के बाद भी ऑटोमेटिकली ये मशीन काम कर रही थी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो गुड़ाई करी उसमें आप बैक पीछे जाके जाते हुए आपके पैर दस्ते हो जाते हैं, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे।
तो उससे जो गुड़ाई है उसकी जो क्वालिटी ख़राब होती है, तो वो भी इससे आप इजी तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था अभी का लाइव डेमो, बाकी आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो अभी ये जो हमारा है 840 मॉडल जी, ये है 9 हॉर्स पावर का। इसमें जो हमने इंजन दिया है, इसमें भी हमने होंडा का इंजन GX270 इंजन हमने यूज़ करा है, जिसकी फुल 2 साल की इंजन की होंडा की तरफ से गारंटी रहती है। ठीक है, इसमें टायर भी बड़े रखे हैं। ठीक है सर, इसकी इंजन की बात की जाए, इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी? ये सर 270 सीसी का 9 हॉर्स पावर का इंजन है हमारा 840 मॉडल। ठीक है, इसके बाद जो हमारे मॉडल्स आते हैं 830 वाला 7 एचपी का, 840 हमारा 9 हॉर्स पावर का, इसमें हमने टायर भी बड़ा दिया है। और इसमें जो रोटरी है वो भी जो हमने रोटरी आप देख सकते हो 3 फीट की रोटरी दी है फुल साइज की, इसकी 3 साइज जिसको हम कम करके 18 इंच पे यूज कर सकते हैं, बट फुल साइज इसका 36 इंच है। और ये हमारा गहराई कम ज्यादा करने का इसमें एडजस्टमेंट लगा है, कोई इसको 1 इंची चलाना चाहता है, कोई 2 इंची या कोई 8 इंची तक गहराई ये चला जाता है मिट्टी के अंदर। हमारा पूरा दमदार हैवी बड़े ब्लेड के साथ ये मॉडल बनाया हुआ है। सर एक चीज और जानना चाहूंगा, अगर मान के चलो इसमें हमें कोई अलग अल्टरनेटिव अटैचमेंट लगानी है तो क्या वो यूज कर सकते हैं इसके साथ में? इसके साथ सर हम 18 अटैचमेंट है अलग अलग यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये 5 वाला कल्टीवेटर है, ये 3 वाला कल्टीवेटर है, ये जो है मिट्टी पलटने का काम करता है जी। इसमें क्या है कि आप इसमें फुली एडजस्टमेंट, आप दाएं तरफ बाएं तरफ जिस तरफ भी मिट्टी पलटनी है, गहराई हैंडल सेंटर सब ज्यादा एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद ये आ जाते हैं जी लोहे के टायर, अगर किसी ने कीचड़ में चलाना है या भानू मिट्टी में चलाना है तो लोहे के टायर लगा सकता है। ये हमारा रिवर्सिबल फ्लो है जी जो चलता है इसके साथ। जी जी ठीक है, ये हमारा मेड बनाने वाला। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अटैचमेंट वही है जो आपकी खेती बाड़ी काम में आती है, सभी मशीनों में सेम लगती है, तो उस प्रकार की सारी अटैचमेंट आपकी लग जाती है इसके अंदर। इसके बाद हमारा 850 मॉडल आता है जिसमें हम डीजल 10 हॉर्स पावर का इंजन यूज करते हैं। ठीक है, डीजल 10 हॉर्स पावर लंबार्डनी कोहलर का इंजन आप जैसे देख सकते हैं ये यूज हो सकते हैं। ये इंजन हमारे औरंगाबाद में ही बनता है, ये इटली की कंपनी है और DI इंजन है। इसमें आपको 800 ग्राम प्रति घंटा की खपत है और 10 हॉर्स पावर की आपको इसमें पावर मिलती है, जिस वजह से ये कोई भी सख्त से सख्त काली मिट्टी महाराष्ट्र की उसमें भी चल सकता है और बड़ी से बड़ी अटैचमेंटें भी ये खींच सकता है। इसके साथ आप सीट भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये सीट लगा के आप बैठकर भी काम कर सकते हैं। आप वो ट्रॉली भी लगा सकते हो जैसे जिसमें आप बाल धोने ईटे भर के लेके जा सकते हो, अपना हरा चारा लेके जा सकते हो। और जो ये ट्रॉली है इसके ऊपर हम ऐसे बैठ सकते हैं और ये ब्रेक वाली है जिसमें हैंडल हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमने पैडल में ही ब्रेक दिए हुए हैं और पूरा फुली सिस्टम सिक्योर सिस्टम इसमें हमने दिया हुआ है। ठीक है सर, ट्रॉली अगर बात की जाए तो ट्रॉली का प्राइस तो अलग से रहेगा ना? ट्रॉली वगैरह ये सारी अटैचमेंट जितने भी दिखाई है जी ये अलग से रहेंगी, मशीन के साथ तो आपको रोटावेटर और ये पीछे लेवलर, ये जो पूरा भारी लेवलर है जो मिट्टी को बिल्कुल प्लेन करता जाता है, सतह को बिल्कुल प्लेन करता हुआ निकलता जाता है। ठीक है, इसके साथ ही हम आपको दिखाऊंगा जी ये जो हमारा एक चीज और बताना चाहता था, 850 मॉडल है, ये हमारा सेल्फ स्टार्ट है जिसमें ये चाबी लगी हुई है, सेल्फ से स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा जो पंप, इसके साथ हाई प्रेशर पंप भी ऐसे जुड़ जाता है। कुछ किसान भाइयों के पास अपना पंप साथ में होता है 3 पिस्टन वाला, तो वो ये अलग से खाली ये जैसे ये लगा हुआ है ये खाली फ्रेम भी ले सकते हैं और वो पंप अपना भी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं अभी हमने इसके पीछे स्प्रे पंप वाली अटैचमेंट लगाई है, तो अभी ये जो पंप है ये टंकी में से पानी खींच रहा है जैसे बाल्टी लगा हुआ है, तो अभी इसके साथ पाइप लगा के हमने आगे जो है ये देखिए गन लगाई हुई है, तो ये गन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कर रही है, इससे आप वॉशिंग का काम भी ले सकते हैं और इससे आप स्प्रे का भी काम कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए आप एक बार में 2 पाइपें लगी हुई हैं अलग अलग, ये गन एक यहाँ से जा रही है और यहाँ से एक पाइप और कनेक्ट करके हमने एक बार में 2 गन्ने चल रही हैं। ये 100 मीटर का पाइप लगा के इसका जो है पूरा प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है सर, इसकी इंजन की खपत कितनी है और इसकी कितनी है और इसकी कितनी है? जो हमारा 7 हॉर्स पावर वाला होंडा वाला मॉडल है जी 830, उसमें प्रति घंटा में 600 से 700 ml पेट्रोल लेना है। ठीक है, जो हमारा 840 है जी 9 हॉर्स पावर का, इसने 1 घंटे में 1 लीटर लेना है। ठीक है, और जो हमारा डीजल वाला लंबार्डनी कोलर का इंजन है इसमें 1 घंटे में 800 ml डीजल लेना है। बहुत बढ़िया सर, और इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो हमारी मशीनों में है स्पेशलिटी, इसमें आप एक तो आपका रोटावेटर लगा सकते हो और साथ ही साथ पीछे ये रीजर भी लगा सकते हो, जिससे ये खाली और मिट्टी चढ़ाने का काम जो गन्ने के किसानों के लिए बहुत जरूरी होता है या हल्दी वगैरह के लिए, उनके ये साथ रीजर भी लगा सकते हैं
जो 1.5 फीट में मिट्टी साथ के साथ चढ़ाता जाएगा और खाली बनाता जाएगा, मतलब एक ही मशीन से, एक ही अटैचमेंट से एक बार में एक काम हो जाए, एक बार में दोनों काम इकट्ठे हो सकते हैं। और कुछ लोगों की जैसे डिमांड रहती है डिचर की डिमांड होती है कि उन्हें एक एक 1.5-1.5 फीट गहरा खाल बनाना है और एक एक 1.5-1.5 फीट दूर मिट्टी फेंकनी है ऊंचे बेड बनाने। तो उसमें हमारी ये जो डिचर अटैचमेंट है ये लग सकती है। इसमें जो ब्लेड है वो स्पेशल ब्लेड हमने अलग से बनाए हैं जो मिट्टी फेंकने का काम करते हैं। गियर बॉक्स इसका हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स दिया हुआ है, पूरा अलग से बड़ा अटैचमेंट का गियर बॉक्स है। कवर फुली एडजस्टेबल है, आप पास में मिट्टी फेंकना चाहते हैं, आप कितनी दूर फेंकना चाहते हैं वो भी पूरा इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पीछे व्हील दिया गया है ताकि गहराई आपको 1 इंची 2 इंची 6 इंची 1 फीट 1.5 फीट गहरा आपको मिट्टी दूर फेंकनी है वो भी आप इससे फुली कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा ये मैं अटैचमेंट देख पा रहा हूँ, ये जैसे ये आप देख सकते हैं ये रोटरी प्लो, ये एक तरफ मिट्टी फेंकने का काम करती है। इसमें जो आप देख रहे हो एक तरफ से झुका हुआ है एक तरफ से उठा हुआ है, तो ये मिट्टी जो है पेड़ों के ऊपर या खाल के ऊपर या जैसे साइड पे ऊपर हमने फेंकनी होती है तो ये घूम के पूरी मिट्टी को बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक है, और फिर ये हमारी बिजाई की मशीन है जी, नेशनल की 3 लो वाली, जिसकी रोज ही पूरी एडजस्टमेंट होती है और ये 0 टिल वाली मशीन है। ठीक है, खेत जुता हो ना हो इससे फिर भी बिजाई की जा सकती है। और ये हमारा रीपर है, जैसे कि अभी धान गेहूं की कटिंग का सीजन शुरू होने वाला है, इसी मशीन के साथ आप रोटावेटर उतार के कटिंग का काम भी कर सकते हैं। कटिंग का रीपर कैसे लगेगा मैं अभी आपको 1 मिनट में दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे इसके साथ जुड़ सकता है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान काम है इसको अलग करना। अभी हम उधर रीपर के पास अपनी मशीन को लेकर जाएंगे रीपर के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारा जो रीपर है वो जुड़ चुका है और हमें जो सर इतनी सारी जो मशीनें आपने बताई है तीनों मॉडल के ऊपर, क्या भारत सरकार द्वारा कोई इस पर अप्लाई कर सकता है सब्सिडी के लिए? हाँ जी हाँ, इन जो मशीनें हैं ये हमारी फुली टेस्टेड हैं, इसके ऊपर आप सब्सिडी भी ले सकते हैं। सब्सिडी के लिए जो आपको जो वैसे ही आप देख रहे हैं ये मैंने आपको दिखाया था हमारा स्प्रेमैन 830 मॉडल, ऐसे टेस्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पूरी टेस्ट रिपोर्ट लगती है। तो ये टेस्ट रिपोर्ट हम आपको मशीन के साथ देंगे, अगर किसी कस्टमर को चाहिए होगी तो वो टेस्ट रिपोर्ट लगा के वो इसके ऊपर सब्सिडी भी अप्लाई करके 40%, कई जगहों पे कई स्कीमों के अंदर इसमें 80% सब्सिडी, मतलब भी खाली 20% कीमत आपको देनी है, 80% सरकार आपको रिफंड कर देगी। बढ़िया सर, तो इस हिसाब से ये इसमें कर सकते हैं सब्सिडी के बाद। पूरी मशीनें हमारी टेस्टेड है, इंडियन मेड है, ठीक है, भारत में बनाई गई है, मेक इन इंडिया के अंदर। सर गारंटी वगैरह कैसे रहती है इनकी? जो ये हमारी 830-840 है जी, इसमें होंडा का इंजन लगा है तो इसकी जो इंजन की है वो 2 साल की फुल गारंटी रहती है होंडा की तरफ से। कोई भी दिक्कत आएगी होंडा इसकी पूरी मदद करेगी, पूरी ऑल ओवर इंडिया में बड़ा बड़ा सर्विस नेटवर्क है, 18,000 डीलर्स का सर्विस नेटवर्क है होंडा का, तो वहाँ से वो आसानी से सर्विस या गारंटी वारंटी अपनी पूरी ले सकते हैं। जो गियर बॉक्स है उसकी 1 साल की गारंटी है जी, वो गारंटी हम पूरी करते हैं, हमारे भी अलग अलग जगहों पर डीलर हैं तो वहाँ से आप गारंटी वारंटी इसकी पूरी करवा सकते हो, नहीं तो हम तो डायरेक्टली भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह अवेलेबल करवा देते हैं। जो हमारा ये 850 मॉडल है जी, ये डीजल इंजन में इसकी 1 साल की वारंटी रहती है इंजन की और गियर बॉक्स। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा किसान भाइयों, टेस्ट रिपोर्ट कुछ कंपनियों के पास होती है बट उस टेस्ट रिपोर्ट में लिखा होता है कि वो निर्माता चाइना के हैं, तो कुछ स्टेटें उन जिन मशीन टेस्ट रिपोर्ट में चाइना लिखा होता है उस पर सब्सिडी नहीं देती है, जैसे कि हिमाचल गवर्नमेंट और J&K गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है कि जिस रिपोर्ट में भी चाइना का लिखा होगा नाम, जो भी चाइना से बनी हुई मशीनें होगी चाहे उनकी टेस्ट रिपोर्ट हो चाहे ना हो वो उनके ऊपर सब्सिडी नहीं देती है। तो किसान भाई इस चीज में ना उलझे कि टेस्ट रिपोर्ट है बट वो मशीन चाइना की बनी हुई है तो भी सब्सिडी उनको नहीं मिल पाएगी, और मशीन भी बेकार चाइना की मशीन है जल्दी खराब हो सकती है, पार्ट्स महंगे मिलेंगे या नहीं भी मिलते हैं कई बार, तो ऐसा भी हो जाता है। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि चाइना से सारे प्रोडक्ट को मंगाती है, और ऐसी मशीनों पे भारत सरकार कभी भी आपको सब्सिडी नहीं देगी, तो ये ध्यान रखें आप जो भी कंपनी या जो भी ये मशीनें खरीदते हैं तो पहले आप ये इस तरीके से चेक कर लें क्या उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट के अंदर चाइना तो नहीं लिखा हुआ, अगर चाइना लिखा होता है तो आपको भारत सरकार कभी भी सब्सिडी नहीं देगी। इसीलिए स्पेशली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेस्टिंग रिपोर्ट इनकी है और इसके अंदर मैं दिखा दूँ आपको इनकी कंपनी का नाम जो लिखा हुआ है,
राजस्थान एग्रो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेक इन इंडिया कंपनी है, यहाँ से अगर आप लेते हैं तो आपको सभी प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट मिल जाएगी, जिससे कि आपको सब्सिडी लेने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। सर इसके अलावा मैं अगर जानना चाहूंगा, मान लो कि इन मशीनों को ऑर्डर करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? इन मशीनों को ऑर्डर करने का तरीका किसान भाइयों के लिए हमने बहुत ही सिंपल और सादा रखा है। इसमें क्या है कि अगर कोई किसान इस मशीनों को बुक करना चाहता है वो हमारे जो कॉल वाले जो नीचे नंबर दिए हैं इन पे कॉल कर सकता है और इन पे जानकारी लेके हमारी कंपनी का अकाउंट नंबर ले सकता है। हमारी कंपनी राजस्थान एग्रो इंजीनियर्स के अकाउंट में उसको 10,000 रुपया बुकिंग अमाउंट डालना है, उस 10,000 का उसको रसीद देना है, क्योंकि हमारे बड़ी कंपनी है तो दिन में हमारे पास तो स्टेटमेंट में 100 ट्रांजेक्शन आ जाती है, तो कैसे पता चले कि किसका पैसा किसका था? तो उसके लिए हमें रसीद भेजना जरूरी रहता है। वो हमें रसीद भेजे और अपना आधार कार्ड या अपना पता लिख कर भेजे, फिर हम उस आधार कार्ड उस पते पे उस रसीद को देकर उस मशीन को भेजते हैं। मशीन पहुंचने पर वो बाकी पैसा देकर अपनी मशीन जो है वो ले सकते हैं। 4 से 5 दिन में मशीन ऑल ओवर इंडिया में डिलीवर हो जाती है? हमारी कुछ जगह पे तो 2 दिन में मशीन पहुंच जाती है जी, कुछ जहां असम वगैरह है वहां पे 1 हफ्ता लग जाता है, महाराष्ट्र में 4 दिन लग जाते हैं, वो जगह जगह के हिसाब से है। कई जगह पे तो 2 दिन में हमने मशीनें भी पहुंचाई है। ठीक है सर, जब मशीनें जाती हैं रास्ते में तो हो सकता है कि उन लोग कुछ डैमेज आ जाए या फिर उनका जो बॉक्सिंग है उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाए तो मशीनें खराब भी होती होंगी? वैसे तो हमारा जो है जी गति के साथ टाई अप है, जो दुनिया की इंडिया की सबसे बेस्ट कोरियर कंपनी मानी जाती है सेफली मटेरियल पहुंचाने का सही सही तरीके से, पर फिर भी कई बार हो जाती है कि कुछ मटेरियल का टूट फूट हो जाता है, तो कोई किसान भाई को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी मशीनें जो है वो इंश्योरेंस होके जाती है, तो अगर कुछ भी टूट फूट होगी तो वो पहले पेटी टूटेगी तो वो रिसीविंग पे लिख देंगे कि पेटी टूटी हुई है और सामान ले लेंगे, घर आके उस मशीन को अच्छे से खोलेंगे फिट करेंगे, अगर कुछ टूटा हुआ या कोई खराबी मिलेगी तो हमें बताएंगे, फिर हम उसका इंश्योरेंस क्लेम लेके हम आपको अगले दिन ही वो पार्ट भेज देंगे। जब भी आप दिक्कत बताएंगे नेक्स्ट डे हम वो पार्ट फ्री में भेज देते हैं। और दोस्तों अगर आप मशीनें ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक चीज अवश्य ध्यान रखें, कॉल करने से पहले जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अकाउंट डिटेल दी गई है राजस्थान एग्रो इंजीनियर्स कंपनी के अकाउंट डिटेल आपको नीचे मिल जाती है, आपको कोई भी कॉल करता है किसी प्रकार से बोलता है कि मैं राजस्थान एग्रो से बोल रहा हूँ या किसी अदर कंपनी से बोल के अगर आपको कॉल करता है लेने के लिए, तो प्लीज़ आप उनके बैंक्स में पेमेंट ना लगाएं। इस वीडियो को देखने के बाद में सिर्फ राजस्थान एग्रो इंजीनियर्स को ही कॉल करें और नीचे दिए गए करंट अकाउंट राजस्थान एग्रो में ही पेमेंट लगाएं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट नंबर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरीके से यहाँ पर सामान लोड होता है, जो भी मशीन हम मंगाते हैं वो डायरेक्टली इस तरीके से पैकिंग होती है। और सबसे अच्छी बात, आपको सभी मशीनों पर इंश्योरेंस मिलेगा, डिलीवरी टाइम पर कोई भी इशू आता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी मशीनों पर आपको इंश्योरेंस मिलता है, होम डिलीवरी फ्री है, GST आपको इंक्लूडेड प्राइस बताया है सर ने, तो आप इस तरीके से दिख पा रहे हैं पैकिंग होती है, लकड़ियों के बॉक्स हैं यहाँ पे प्यारे प्यारे पैकिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी जानकारी है तो ये सर है। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। सर आपका नाम? गुरप्रीत। गुरप्रीत जी आपका नंबर बता दीजिए मुझे, दिखाया आपने, मेरा नंबर नोट कीजिए जी, ये गुरप्रीत जी का नंबर है, ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आप। डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या आती है पैकिंग से, इनका आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, सामान टूटा हुआ मिलता है जी जी, कोई डिलीवरी में दिक्कत आती है, टाइम पे डिलीवरी नहीं मिल रही है, पेमेंट का इशू है, तो इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। जैसे कि दोस्तों आप हमें हमेशा प्यार देते रहते हैं, मैं चाहूंगा आशा करूंगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और इसीलिए हम आपके लिए अच्छी अच्छी मशीनें लाते हैं। आज की वीडियो में स्पेशली मैंने आपके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दिखाई है मेक इन इंडिया की, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत, जय किसान।